क्या आप जावा में ऐसी फिल्म बनाना सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की, या फिर कुछ ऐसी, क्यों है ना ऑसम, या फिर ऐसी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन, या फिर कुछ इस तरीके की। यदि इनमें से कोई भी फ्रेम आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं असीम कानून को आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्स ऑफ टेक्नो पे। और जावा में AWT एंड स्विंग के ट्यूटोरियल में आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं कि जावा में हम लॉग इन फ्रेम को डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे नेटबीन्स आईडी को ओपन कर लेंगे। हमने हमारा नेटबीन्स आईडी ओपन कर लिया और ये जो हमारा पैकेज है जिसपे हम काम करते आ रहे हैं उसी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्म ले लेंगे। बिकॉज फॉर्म में हम लॉग इन फ्रेम बनाने वाले हैं इसलिए उसका नाम रख लेते हैं लॉग इन और क्लिक कर देंगे इस पर फिनिश पर। हमारे सामने एक फ्रेम आ जाएगी। इस फ्रेम का जो भी साइज हम चाहें हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज ये इतना साइज बहुत है, 500 बाय 400 समथिंग कुछ साइज सेट कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे इस फ्रेम में एक पैनल ऐड करेंगे। तो पैनल को ड्रैग करके हम क्या करते हैं हमारे फ्रेम पे ड्रॉप कर लेते हैं। और इसके बाद इस फैन पैनल के ऊपर राइट क्लिक करके हम इस पैनल का लेआउट सेट करेंगे। और लेआउट हम करेंगे क्या, नल लेआउट। जैसे हम पैनल का लेआउट नल करेंगे तो सिंस लेआउट नल है तो सब चीज़ें हमें हमारे हिसाब से सेट करना होगी। तो आप ये ध्यान से देखिएगा पैनल इस टाइप से बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पूरे फ्रेम के साइज का बना लीजिए। ओके, ये पैनल हमारी बन गई। अब इस पैनल के ऊपर हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है। लेकिन पैनल के ऊपर हम डायरेक्ट बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेबल लेना पड़ेगा। तो इधर लेबल कंट्रोल जो है हमारा स्विंग के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल लेंगे और उसको यहाँ पे ऊपर पैनल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब इस लेबल को भी ड्रैग करके पूरे पैनल के साइज का बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब इस लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज को हमें सेट करना होगी। सबसे पहले तो इस लेबल की हमें प्रॉपर्टी सेट करना होगी, वो है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब हमें इस लेबल के ऊपर क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है, क्या अप्लाई करना है, एक बैकग्राउंड इमेज। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे लेबल की कौन सी प्रॉपर्टी पे, आइकन प्रॉपर्टी पे। आप इस तरफ देख रहे हैं कि आइकन प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही होगी, तो हमें इस आइकन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन हमें देता है, पहला वो देता है इमेज विद इन प्रोजेक्ट। यदि आपने आपके प्रोजेक्ट में किसी फोल्डर में कोई इमेज सेट कर रखी है तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है एक्सटर्नल इमेज। यहाँ से आपके मशीन में कहीं भी इमेज सेव है तो आप उसका पाथ दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पाथ देते हैं। तो ये हमारी अलग अलग इमेजेस सेव्ड है। यदि हम चाहते हैं कि वो आयरन मैन वाला हमें बनाना है उसको लेना चाहते हैं तो वैसा, या फिर बैकग्राउंड कोई और सेट करना है तो हम वैसा ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल बनाता हूँ। तो ये बैक टू लिया हमने, ये इमेज अच्छी होगी। ओके, तो ये हमारा एक बैकग्राउंड इमेज बन गया। और इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हमें क्या करना है, हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार करना है। तो अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले लिखना है एक लॉगिन पेज। तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा एक लेबल, इस लेबल को हमने अप्लाई किया। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस लॉगिन पेज के लेबल को, ठीक है। अब ये जो लॉगिन पेज का लेबल है इसको पे कुछ भी आप प्रॉपर्टी सेट करें उससे पहले ध्यान रखिए इधर नेविगेटर सेक्शन में। यदि नेविगेटर सेक्शन आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आप विंडो में जाके पहले नेविगेटर को ऑन कर लें, ये यहाँ पे Ctrl+7 ऑप्शन पर क्लिक करके। और इस नेविगेटर सेक्शन में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा JLabel 2। तो इस JLabel 2 पर क्लिक करके इसको मूव अप करना ना भूलें, वरना इसके ऊपर आप जो कुछ लिखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब इस लेबल की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सबसे पहले हमें इस लेबल की कौन सी प्रॉपर्टी सेट करना है, हमें इस लेबल की प्रॉपर्टी सेट करना है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे यहाँ पे लिखा हुआ है JLabel 2, इसको चेंज करके हम कर लेते हैं क्या, लॉग इन पेज। अब ये जो हमने लिखा हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर क्या सेट हुआ है, ब्लैक। तो इसको चेंज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधे वाइट। तो बड़े काफी अच्छा दिखेगा, ये हमारा लॉग इन पेज आ गया। अब ये एक तरफ आ रहा है लेफ्ट में, तो इसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है इसको हम कर लेते हैं सेंटर। और फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट हम हमारे हिसाब से कुछ भी सेट कर लेते हैं। मुझे वर्दाना काफी पसंद है तो वर्दाना 12 और साइज बढ़ा के कुछ 36 कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एक लॉग इन पेज का लेबल हमारा तैयार है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक यूजर नेम, एक पासवर्ड। तो जो भी विजिबल हमें सामने कंटेंट दिखता है, जैसे लॉग इन पेज दिख रहा है ऐसे हमें और कुछ भी दिखाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेबल लेना पड़ता है। तो एक बार और लेबल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। और इस लेबल को भी याद रखिए, सबसे पहले नेविगेटर सेक्शन पर राइट क्लिक करके क्या करना है उसको मूव अप, Label 1 के पहले JLabel 1 पे इमेज लगी हुई है उसके ऊपर हमें हमारे सारे कंटेंट ऐड करना है। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, इस तरफ प्रॉपर्टीज विंडो में, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसको हम सेट कर देते हैं क्या, यूजर नेम। और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, इसका ओरिजेंटल अलाइनमेंट, इसका भी ओरिजेंटल अलाइनमेंट कर देते हैं हम सेंटर। फोरग्राउंड कलर को चेंज करके हम कर देते हैं वाइट।
वाइट काफी अच्छा दिखेगा इसके ऊपर। और फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट अब हम कर देते हैं कुछ कैमरिया और बोल्ड ले लेते हैं, और साइज हम बड़ा कर लेते हैं 18 इनफ होगा, 18 14 24 कर लेते हैं, 18 तो छोटा दिखेगा रन टाइम पे, 24 ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम आ गया। अब ऐसा कैसा मुझे नीचे भी क्या चाहिए, पासवर्ड। तो ये जो यूजर नेम वाला लेबल है इसे करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और लेबल 4 को पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मूव अप। तो ये नेविगेटर सेक्शन में आइए, मूव अप कर लीजिए। अब इसको हम ऐसा कैसा नीचे कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने का फायदा ये होता है कि जैसे डिजाइन आपने ऊपर करिए सेम टू सेम डिजाइन आपको नीचे मिल जाती है, बस आप टेक्स्ट फील्ड उसकी आपको उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दीजिए तो आपको सेम डिजाइन नीचे मिल जाएगी। तो ये हमारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ये हमारे लेबल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा इनपुट करवाना है। डेटा इनपुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड लेना होगी ताकि हम डेटा इनपुट कर पाए। तो इधर जो सेक्शन है यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट फील्ड, इसको यहाँ यूजर नेम के सामने रखते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे पहले नेविगेटर सेक्शन में जाके इसको मूव अप करिए, और इस टेक्स्ट फील्ड की अभी फिलहाल हमें केवल डिजाइन पर्पस से देखना है, कुछ आप प्रॉपर्टी सेट नहीं करना है, केवल आप इस टेक्स्ट फील्ड की एक ही प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए, वो इसका टेक्स्ट जो है राइट क्लिक करके टेक्स्ट हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। तो हमारा यूजर नेम हो गया। अब ऐसा कैसा हमें चाहिए पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड नहीं लेते हैं, पासवर्ड के लिए आपको लेना चाहिए कि आप पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड लेने से क्या होगा कि जब आप उसको रन करेंगे तो रन टाइम पर आपको जो भी आप टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा जैसा पासवर्ड में होता है। लेकिन सबसे पहले नेविगेटर सेक्शन में जाकर उसको मूव अप कर दीजिए, इसका भी टेक्स्ट जो है उसको डिलीट करके प्लान कर दीजिए। तो ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड वाला हमारा दोनों फील्ड सेट हो गई है। अब नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है फॉरगॉट पासवर्ड, थोड़ा सा बड़ा होना छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट होता है फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन, उसके लिए हम चाहें तो लेबल ले सकते हैं, चाहें तो बटन ले सकते हैं, आप एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक लेबल बना रहा हूँ, उसको बराबर साइज का कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले मूव अप करना ना भूलें, तो मूव अप, फिर इसकी प्रॉपर्टीज विंडो में जाइए और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर दीजिए, क्या फॉरगॉट पासवर्ड, और इसका फॉन्ट, इसके जो फोरग्राउंड प्रॉपर्टी इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करके क्या बना देंगे इसको अगेन वाइट, ताकि वो हमें अच्छा दिखे। और इसका जो फॉन्ट है उसको हम बोल्ड कर देते हैं और कैलिब्री रहने देते हैं, और 12 या 14 ही इनफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहिए, 14 में ही अच्छा लग रहा है, 18 इज इनफ, ओके। तो दिस इज फॉरगॉट पासवर्ड। अब क्या बचा है यहाँ पे, सबमिट और कैंसिल का बटन बनाना। तो चलिए एक बटन बनाते हैं, क्योंकि इनके क्लिक पर हमें वर्किंग करना है। तो एक बटन बनाया हमने किस नाम से, जे बटन 1, बट रिमेंबर फर्स्ट वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू मूव इट अप। इस बटन 1 पे जाइए और इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कौन सी, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमें यहाँ क्या करना है, सबमिट। अब ये सबमिट बटन है तो इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं, क्या ग्रीन, काफी अच्छा लगता है ग्रीन कलर इस पे बैकग्राउंड में, क्योंकि हम सबमिट कर रहे हैं। और इसका जो फोरग्राउंड कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं, क्या वाइट, तो ग्रीन पे वाइट काफी अच्छा विजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ इसका फॉन्ट जो है उसको चेंज कर देते हैं, फॉन्ट हम अगेन कर देते हैं हमारा क्या कैम्ब्रिया, और बोल्ड एंड साइज शुड बी 24, ओके। तो ये हमारा सबमिट बटन बन गया। ऐसा कैसा हमें बनाना है, क्या हमारा कैंसिल बटन, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये बटन आया, सबसे पहले इसको मूव अप कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसा कैसा इधर पेस्ट कर दीजिए, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको कर दीजिए कैंसिल। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड वाली फील्ड क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और सबमिट पे सबमिट हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम चेंज कर देते हैं कुछ रेड, रेडिश टाइप कुछ, ओके, ताकि क्या हो कि वो कैंसिल बटन आपका अलग से आपको दिख सके। तो ये हमारी फ्रेम की डिजाइन हो गई है रेडी। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक किया हमने यहाँ पे और रन फाइल, तो मगर ये फ्रेम जो है देखिए एक कॉर्नर में आ रही है, बट ये सेंटर में आएगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए वो भी सेट करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो फ्रेम है हमारे फ्रेम को सेंटर में करना है। तो यहाँ नेविगेटर सेक्शन से जे फ्रेम ले लीजिए, जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज में ये चौथा ऑप्शन है कोड वाला, इस पर चले जाइए। यदि आपको ये नहीं पता है तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देखिए, AWT एंड स्विंग का, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। उसमें लास्ट ये ऑप्शन आ रहा है जनरेट सेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए और सेम अगेन इसको हम रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक और रन फाइल, अब देखिए फ्रेम हमारी सेंटर में आने लग गई है। हम जो भी यूजर नेम डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, साइज हम हमारे हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और जो भी पासवर्ड हम एंटर करेंगे वो हमें विजिबल नहीं होगा। सबमिट और कैंसिल बटन लेकिन अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इवेंट हैंडलिंग अभी हमने नहीं करी, और इनके क्लिक होने पर जो भी ऑपरेशन करना है वो भी हमने परफॉर्म नहीं किया है। खास बात यह है कि लॉगिन फ्रेम में जो ये हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेम का जो आइकन है वो जावा का है, लेकिन जो लॉगिन पेज का आइकन है वो जावा का ढूंढना होगा, वो तो हमारी लॉगिन पेज के हिसाब से कुछ होना चाहिए। तो चलिए इस आइकन को भी चेंज करके देखते हैं।
तो आइकॉन को चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे सोर्स मतलब कोड विंडो पे, और कोड विंडो पे हम जाएंगे हमारी रन मेथड में। रन मेथड में यहाँ पे एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारी फ्रेम का, और विजिबल प्रॉपर्टी को उन्होंने ट्रू कर रखा है, तो हम एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लॉग इन एल इक्वल्स टू न्यू लॉग इन, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इस पर क्या करना है, हमारा फ्रेम का जो आइकन है वो चेंज करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आइकॉन गेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें हमारी जो इमेज है आइकॉन की उसको लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इमेज जो क्लास है वो AWT पैकेज के अंदर है, तो उसे इम्पोर्ट करना होगा। लेकिन हम AWT.image की बजाय AWT.star ही कर लेते हैं, क्योंकि टूलकिट में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो इमेज, अब इमेज का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इमेज आइकॉन इक्वल टू, अब इमेज जो है वो हमारी मशीन में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं सेव्ड है, और उसको लेने के लिए हमें लगेगा टूलकिट क्लास। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले अपने एक वीडियो बनाया बताया था, जिसमें मैंने आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो टूलकिट डॉट गेट डिफॉल्ट टूलकिट डॉट, हमें क्या चाहिए, गेट इमेज, और इमेज का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पाथ देना होगा हमारा जहाँ भी इमेज है उसका। तो चलिए पहले हम लोगों ने डेस्कटॉप पे जो इमेजेस सेव कर रखी है उसमें से जाके देख लेते हैं। तो ये हमारी आइकॉन एक इमेज है, इसकी प्रॉपर्टीज विंडो में जाके ये पूरा पाथ हम कर लेते हैं कॉपी, और एक PNG फाइल है तो इसको फटाफट यहाँ पाथ को कर देते हैं हम बेस्ट, और आखिरी में लिख देते हैं हम क्या, icon.png। ये icon.png जो है ये मेरी इमेज का नाम है। तो ये मैंने इमेज का पूरा पाथ सेट करके एक इमेज बना ली। अब इस इमेज को मुझे कहाँ सेट करना है, मेरी लॉगिन फ्रेम जिसका ऑब्जेक्ट क्या है L, इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो L.set आइकन इमेज और ब्रैकेट में क्या आइकन, ये हमारा काम हो गया। अब इसकी विजिबल प्रॉपर्टी को और ट्रू कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रेम विजिबल हो जाए। तो ये हमारा पूरा कोड तैयार हो चुका है, चलिए इसको रन करते हैं। तो ये देखिए एक लॉगिन पेज हमारा आ रहा है, और ये इसका जो आइकन भी है वो भी हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जावा में कोई भी लॉगिन फ्रेम बड़ी सुंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इवेंट्स के थ्रू हम कैसे काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।